जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 31, 32, 33, 34, 35 पर चर्चा करेंगे। ये मी मत मदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो नैवस्यन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म निवृत्त। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य उनके इस मत का पालन करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और बिना किसी द्वेष के, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो लोग उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात कर्म करते, सभी फल की चिंता नहीं करते, वे धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते और निष्काम भाव से कर्म करते हैं। ये त्वेत दब्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मत सर्व ज्ञान विमूढ़ास तान विधि नाष्टान चेत सह। लेकिन जो लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण मेरे इस मत का पालन नहीं करते, वे अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं। तुम उन्हें नष्ट और विवेकहीन समझो, अर्थात ईर्ष्या द्वेष और अहंकार जैसे नकारात्मक भावनाएं आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। जो लोग इनसे ग्रस्त हैं, वे न केवल भगवद गीता के ज्ञान को अस्वीकार करते बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य को भी खो देते हैं। ऐसे लोग भले ही वे दुनिया ज्ञान में माहिर हो, असली ज्ञान जो आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है उसको खो देते हैं। सदृशम चेष्टते स्वा स्वाहा प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। रोकथाम करने से क्या लाभ, अर्थात हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है जो उसके पिछले कर्मों संस्कारों और विचारों से बनी होती है। इसे हम मनुष्य की प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति के व्यवहार इच्छाएं और कर्म होते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को जबरन रोकने या दबाने से कोई लाभ नहीं होता। रोकने या दबाने से व्यक्ति के अंदर छपी इच्छाएं और भावनाएं समाप्त नहीं होती बल्कि उनको सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। इंद्रियस्य इंद्रिया स्तार्ते राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशम आगच्छेत तत्वो हायस्य प्रिपन्थिनो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति मनुष्य के स्वभाव को समझाते हुए कहते हैं कि हर इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं और इन विषयों के प्रति राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। लेकिन इनके प्रभाव से में आने से हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इन पर नियंत्रण करना आवश्यक है क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति राग और द्वेष के वश में नहीं आता वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अर्थात हमारा शरीर नश्वर है बल्कि हमारी आत्मा हमारा जो कि ईश्वर का ही एक अंश है। सरे यान स्व धर्म विगुण परम धर्मात् स्व अनुष्ठित स्व धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया वह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सिखाते हैं किसी व्यक्ति को अपने स्व धर्म को निभाना चाहिए भले उसमें कुछ दोष हो। स्व धर्म में मृत्यु होना बेहतर है। परम धर्म दूसरों का धर्म बहुत ही डरावना और खतरनाक है। यहाँ स्व धर्म का अर्थ है हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए जो उसके स्वभाव स्थिति और जीवन के उद्देश्य के अनुसार निर्धारित होते हैं। स्व धर्म निभाते समय यदि कोई गलती करता है तो वह अधिक श्रेष्ठ है या अच्छा है क्योंकि वह व्यक्ति की प्रकृति और कर्तव्य के अनुसार होता है। परम धर्म यहाँ हम पढ़ेंगे परम धर्म क्या होता है, दूसरों का धर्म। परम धर्म का मतलब है दूसरों का धर्म अर्थात दूसरों के कर्तव्य या जिम्मेदारियों का पालन करना। यह अन्य लोगों के धर्मों को अपनाना या उनकी तरह कार्य करना हो सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों के धर्म का पालन भले ही सही ढंग से किया जाए अधिक खतरनाक और भयावह हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव के विपरीत होता है। स्व धर्म में मृत्यु का क्या अर्थ होता है, स्व धर्म का पालन करते हुए मृत्यु प्राप्त करना अधिक उचित है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने धर्म पर ही चलते हुए किसी भी परिणाम को स्वीकार करना चाहिए चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। और परम धर्म का भयावह होना क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने स्व धर्म को छोड़कर पर धर्म को अपनाता है और उसमें असफल होता है तो यह उसके मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट का कारण बन जाता है जो कि ज़्यादा भयावह होता है।
इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? व्यक्ति को अपने प्राकृतिक धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और किसी भी बाहरी प्रभाव या प्रेरणा के कारण अपनी राह नहीं बदलनी चाहिए। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।